Hello, good morning students. आज हम आपको क्लास 7 जो आपका चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ये चैप्टर चल रहा है ना इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3rd के एक पार्ट दो पार्ट करवा देना फर्स्ट में सेकंड में ओके ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना पड़ेगा ओके सो फर्स्ट पार्ट देखो अच्छे से समझ लेना उसके बाद में इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व कर पाओगे सी 5 by 7 minus 2 by 3 plus 4 by 9 ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है 7 3 एंड 9 ये आपके क्या है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है 7 3 एंड 9 इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ओके जहां पे आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां पर हमें काम करना होता है क्या 7 3 एंड 9 इसका मतलब है एलसीएम ओके तो एलसीएम भी आप एक साइड में करके सॉल्व कर निकाल सकते हो अपनी नोटबुक में लाइक 7 3 एंड 9 ओके टेक एलसीएम ऑफ इट इज डिवाइडेड बाय 3 फर्स्ट 7 वी कांट डिवाइड सो राइट लाइक दिस एंड 3 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड गेटिंग 1 ओके 9 इज डिवाइडेड बाय 3 3 टाइम ओके नेक्स्ट अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 7 1 एंड 1 ओके नाउ 1 1 ये तो अब सॉल्व हो चुके हैं अब क्या रहेगा 7 ये किससे डिवाइड होता है 7 से डिवाइड होगा क्यों क्यों ये क्या है ये आपके दो टाइप के नंबर बताए थे ना आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स ओके ये आपका प्राइम नंबर है इसलिए इससे डिवाइड नहीं करेगा कंपोजिट नंबर तो डिवाइड होगा 7 से ही डिवाइड करेगा 7 में 7 1 1 एंड 1 ओके सो एलसीएम इज एलसीएम इक्वल्स टू 3 3 7 ओके 3 के 9 9 7 63 ओके 63 इज ऑन एलसीएम नाउ राइट 63 इज हियर अब क्या करेंगे यहां पर समझ लेना सबसे पहले 7 में डिवाइड ये आपका डिनोमिनेटर ये भी आपका डिनोमिनेटर दोनों को हम करेंगे डिवाइड 7 में डिवाइड करेंगे 63 तो 7 9 63 एंड आंसर क्या आएगा आपके पास 9 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 5 इनटू 9 इस तरह से आपको करना है पहले आपने डिवाइड किया 7 के डिवाइड 63 में ओके समझ लेना फर्स्ट सिस्टम किया आपको डिवाइड उसके बाद में क्या करना है डिवाइड यहां पे 9 आपका आंसर आ गया 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करा 5 से नेक्स्ट राइट माइनस 3 अब 63 इज डिवाइडेड बाय 3 हाउ मेनी टाइम्स सी 3 63 ये हम आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो ओके 3 2 जा 6 क्या है कुछ नहीं ब्रिंग ऑन 3 एंड 3 बन जा 3 अगेन आंसर इज गेटिंग 23 नाउ 2 इनटू मल्टीप्लाई बाय 21 ओके सो नेक्स्ट प्लस अब क्या करेंगे 9 के डिवाइड ये तो वैसे आपको कितने टर्म जाएगा 7 टर्म मैन 7 63 होता है फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं यहां पे 963 9763 ओके सो यू गेटिंग 7 सो 4 इनटू 7 ओके नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करो 5 9 45 माइनस 22 2 जा 42 21 2 जा 42 प्लस 4 7 जा 20 अपॉन 63 ओके अब हमें क्या करना है जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं 45 है 28 है इन दोनों को ऐड कर लो 45 प्लस 28 माइनस 45 इनको हम रियलाइज कर लिया इसको बोलते हैं रियलाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बट अगर आप ऐसे कर लो फॉर मास को क्या कहते हैं सबसे पहले फॉर मास में ये देखो फॉर मास बी ओ टी एम ए एस फॉर मास ये आपका ब्रैकेट जो कि अभी आया है सब ब्रैकेट का नेम ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन ओके हमारा यहां पे क्या है लास्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो हमने एडिशन को पहले कर लिया दोनों को ऐड कर लिया उसके
वाला मान का सबट्रैक्शन अपॉन 16 ओके इन दोनों को ऐड करो 5 एंड 5 3 एंड 3 4 7 माइनस 42 अपॉन 63 ओके लास्ट मान का सबट्रैक्शन है सबट्रैक्ट कर सकते हैं 3 2 1 एंड 7 4 3 अपॉन 63 ओके 63 ये आपका आंसर ओके इट्स योर आंसर ओके सो आंसर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ऐसे यहां पर सेकंड पार्ट है 2/3 प्लस 5/12 3/7 सेम जैसे आप आपने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को करा है वैसे आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं इसको भी और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना होमवर्क ओके थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट 2/3 प्लस 5/12 एंड माइनस 3/7 नाउ सिर्फ टेक एलसीएम फर्स्ट ओके एलसीएम आप सॉल्व कर सकते हो 3/12/7 इसलिए हम बता रहे हैं आपको आपको बाद में दिक्कत ना हो ओके कैसे एलसीएम लिया जाता है कैसे फिर यहां पे इसको एलसीएम में आप लिखते हैं उसके बाद पहले डिवाइड करना है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे डिवाइड करने पे ये जान लो सिंपल है सबसे पहले 3 से डिवाइड गिवन दैट 3/12/7 नेक्स्ट किससे 2 से डिवाइड हो सकता है सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड करो 2 से डिवाइड कर लो 3 से डिवाइड हो सकता 2 6 12 7 नेक्स्ट अगेन डिवाइड बाय 2 3 2 3 या 6 और 7 Now divide by 3, 3/3, 7 and next 7, 1, 1 and 1 okay so after LCM, LCM equals to 3 into 3 into 7 okay 2 to 4, 4 to 12, 12 to 84 okay 84 is your LCM now 84 हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद फिर सभी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी पहले डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई ओके सो देखो 3 का डिवाइड 3 को लो ऐसे करने का पता है अगर नहीं देना आता है आपको ऐसे डायरेक्ट बस तो पूरा नहीं सीखो बताएंगे वो ट्रिक्स कैसे होते हैं चले जाते हैं 3 या 6 2 एंड 4 3 इज 24 आंसर क्या आ गया 28 2 इनटू 28 प्लस 1 का डिवाइड इसमें 784 को 7 आया आपका के डिवाइड देख लेना नहीं आता तो बस जैसे बता रखा वैसे कर लेना 1787 माइनस 7 के डिवाइड से को कितने टाइम जाएगा देखो 7 अंदर 7 ऐसे कर लेना जैसे 84 डिवाइड आपको देना 7 और लिख लो 7 बनेगा 7 क्या हो जाएगा आपके पास 1 को 7 की 14 12 आ गया आपका सिंपल सो 3 इनटू 12 10 इनटू 12 इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 535 माइनस 36 अपॉन 84 ओके नाउ ऐड सबसे पहले हमारा क्या है ऐड करना है तो 6511 एंड 459 माइनस 36 अपॉन 84 ओके अब इसको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है 11 में से सबट्रैक्ट करेंगे 6 देखो 1 is more than 6, we can't subtract 6 from 1, so we we'll borrow 1 from here, so it is now 11, 11 is 6 subtract करें क्या है, 5, next आपके पास यहाँ कितना रहेगा 8, क्योंकि हम इसको borrow दे चुके हैं, ठीक है, इसको borrow दे चुके हैं 1 को, तो यहाँ पर 8, 8 में से 3, 5, 180, okay, so ये आपके क्वेश्चन इसके टू पार्ट हमने करा दिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और इसी का थर्ड पार्ट हमने इरेज कर रखा है आपके बुक में है उसको आपको सॉल्व करना है खुद से ओके ओके स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर दे रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं ठीक है फोर्थ
जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है सबकी प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि मैथ का पढ़ने ही है ट्रिपल भी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आपको कर सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर फोर है, वो भी इवेल्युएशन ही है, इवेल्युएशन। फर्स्ट नंबर सॉरी पार्ट फोर का फर्स्ट पार्ट, टू होल वन बाय थ्री प्लस फाइव होल वन बाय टू, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, वो क्या थे, वो आपके प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ये क्या है, ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स मिक्स मतलब यहाँ पर आपका होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। होल नंबर आपको पता ही है, पहले आप पढ़ चुके हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब ऐसे तो आप बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हो। ओके, तो जो नंबर कंप्लीट है उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब चलो इसके बाद सबसे पहले तो इसको हम किसमें चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर करने का तरीका पहले समझ लो, कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। सपोज ये आपका टू होल वन बाई थ्री, सबसे पहले टू एंड थ्री इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो एंड एड वन। ओके, तो टू इंटू थ्री प्लस वन थ्री एज इट इज। ओके, ये क्या हो जाएगा, टू थ्री या सिक्स प्लस वन बाई थ्री, सिक्स वन सेवन बाई थ्री। ओके, सेवन बाई थ्री। एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये आपका स्टेप यहाँ तक आ गया, बच्चे क्या करेंगे, थ्री वन को एड कर लिया, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सपोज मान लो टू इंटू थ्री प्लस वन, इसको ऐड करें कितना होगा, फोर हो गया, फोर थ्री फोर जाए एट, एट बाई थ्री, ये रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ रखे हैं, बोर्ड मार्क्स में अभी जो बताया था हमने, क्या बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद में एड सबट्रैक्ट ये सब आता है। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रैकेट आएगा और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडिशन है सबट्रैक्शन, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट चेंज करा। नेक्स्ट एस इज हम इसको चेंज करेंगे टू बाई टेन और इलेवन, इलेवन बाई टू। ओके, कैसे करना है मैंने बता दिया यहाँ पर, एक बार फिर से देखो इसको भी, तो फाइव इंटू टू, फाइव टू या टू इंटू फाइव दोनों सेम है, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वन इसमें ध्यान रखना अपॉन टू, तो फाइव टू टेन इलेवन 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 बाई टू, इलेवन बाई टू। ओके, नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, थ्री एंड ट्वेल्थ में आएगा सिक्स। कैसे, हमने तो डायरेक्ट करके, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप थ्री और टू का एलसीएम ले लेना इस टाइप से। तो पहले हमने टू से डिवाइड किया थ्री वन, सीरीज से ध्यान रखा करो, हमेशा डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो उसमें अगर असेंडिंग होगा, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा और सगड़ा और सगड़ा ऐसे चलता जाएगा। तो हमने डिवाइड किया टू का वन टू, नाउ थ्री वन थ्री वन, और टू थ्री या सिक्स वही एलसीएम होगा टू इंटू थ्री टू इंटू सिक्स। ओके, नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हमने पहले बताया था डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करते हैं, तो सबसे पहले थ्री डिवाइड सिक्स में दोगे, थ्री डिवाइड सिक्स थ्री टू या सिक्स, ये टू टू आ गया। ये हम इसलिए बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि बच्चे इसमें कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो अच्छे बच्चे वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं, कोई नहीं होता, बस प्रैक्टिस 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 सब सही हो जाता है। तो हमने क्या करा, थ्री टू या सिक्स हो गया, ओके टू आंसर आ गया यहाँ पे। अब टू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेवन इंटू टू प्लस टू का डिवाइड में करो, कितना हो गया टू थ्री या सिक्स, तो इलेवन इंटू थ्री। ओके, नेक्स्ट है सेवन इंटू या फोर्टीन प्लस थर्टी थ्री अपॉन सिक्स, एड करेंगे फोर थ्री सेवन वन थ्री फोर अपॉन सिक्स। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बट इसको हम किस में चेंज करेंगे, अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके रख दो, अगर इतना भी छोड़ दोगे ये भी राइट है, और अगर आगे थोड़ा सा कर दो मिक्स फ्रैक्शन वो भी ठीक है। मिक्स में कैसे करोगे, ये आना चाहिए यहाँ तक, ये अगर पूरा मिक्स तक करा करो। अब मिक्स में जैसे ये था, इसको मिक्स नंबर बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, सिक्स का डिवाइड हो फोर्टी सेवन में, तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू। और अभी एक वन टाइम फोर जा सकता है कि नहीं जा सकता, सिक्स एट जा फोर्टी एट, ओके फोर्टी एट इज मोर देन फोर्टी सेवन, सो फोर्टी टू तक ही रहेंगे।
ओके 642 5 ओके। अब ये आपका जो नंबर है ये तो आ गया आपका रोल नंबर, रोल नंबर ये आपका कहां लिखा जाएगा, ये आपका लिखा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ध्यान रखना ये चीज डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 5 6 ओके इट्स योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ये फोर का फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसे आपको सेकंड थर्ड ये आपको होमवर्क में करना है। अगर इसमें कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, इसको फिर से समझा देंगे, क्योंकि देखो जितना आप अपने आप से प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हमने दो पार्ट इसके लिए हैं, एक पार्ट उसका दिया है, ठीक है, ज़्यादा वर्क नहीं है बट अच्छे से करना है, सबको करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीक।